बेकसों को सहारा भी दे, डूबतों को किनारा मिले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कपासन सईद दरगाह में उर्स स्टार्ट हो चुके हैं तो यहाँ का नज़ारा बताऊँ किस प्रकार से यहाँ का माहौल है, किस प्रकार का नज़ारा, किस तरीके से लाइटिंग करी गई है। काफ़ी बढ़िया सीन है और साथ ही साथ रात में किस प्रकार से आपको जगमगाती हुई दरगाह दिखेगी कपासन शरीफ दरगाह, और सुबह का भी नज़ारा पूरा बताऊँगा और जो भी वहाँ पर चहल पहल है किस तरीके का सीन आपको दिखेगा। तो अभी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है हमारे को वहाँ के ही हमारे भाई है जो कि व्यूअर भी है, एक तरीके से हमारे वीडियो देखते अपने चैनल की, तो उन्होंने बना करके भेजा। उनका भी यूट्यूब चैनल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके यूट्यूब चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, और कई बार मैं कम्युनिटी टैब में भी उनकी लिंक डालता रहता हूँ, तो उनको जाइए और सपोर्ट करिए। क्योंकि इतनी दूर से सिर्फ मैंने एक बार बोला था वीडियो बनाने के लिए, वह लगातार जा करके आपको आप लोग याद कर पाओ, आप वहाँ का नज़ारा देख पाओ, इसलिए मेरे को वीडियो बना करके भेजते हैं। तो आप पूरा नज़ारा देखिए किस प्रकार से ये रात का समय ये लाइटिंग कपासन शरीफ दरगाह। आप सभी को मालूम है कपासन शरीफ दरगाह में हाजिरी वाले व्यक्ति आते हैं, हाजिरी वाले जायरीन अधिकतर आते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के मतलब सभी धर्म से रिलेटेड यहाँ पे जायरीन आते हैं दूर दूर से। तो दीवान साहब बाबा की दरगाह है कपासन शरीफ, और यहाँ पर जैसे कि कुछ काला जादू या कुछ किसी के अंदर कुछ साया होता है, कुछ ऐसी भूतिया ऐसी कुछ चीज़ें होती है, तो यहाँ पे एक भूतों की एक सहन अदालत लगती है, अपने आप ही आपकी हाजिरी होती है यहाँ पे। और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ के आओगे तो यहाँ के जो खादिम है उनसे जानकारी ले सकते हो आप, किस प्रकार से आके खादिम लोग आपको बता देंगे। तो ये ऊपर का नज़ारा है कुछ, और अभी मैं आपको अंदर चल के ही बताऊँगा, थोड़ा दिन का नज़ारा भी बताऊँगा दिन का किस प्रकार का नज़ारा है। तो ये पहले ऊपर से सीन देख लीजिए आप, काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अभी उर्स स्टार्ट है, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी अंदर एंट्री अलाउ नहीं है। अभी जो कपासन शरीफ दरगाह के अंदर जो रस्में होती है वे सिर्फ अभी यहाँ के खादिम लोग निभा रहे हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से, और हम सभी के लिए भी दुआ करते हैं कि यहाँ पर जो भी अभी दौड़ चल रहा है ये सब बीमारी ये दूर हो। तो कपासन शरीफ दरगाह ये लाइटिंग का नज़ारा है रात का, अभी आपको सुबह का भी बताऊँगा मैं। तो दोस्तों, आपको जैसे कि मैंने बताया सहन अदालत लगती है यहाँ पे, एक बार अगर इंसान आता है और हाजिरी लगाता है तो यहाँ पे शायद 40 दिन तक के लिए यहाँ पे रहना पड़ता है, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो 40 दिन के लिए। तो चलिए फ्रेंड, पहले मैं आपको सुबह का नज़ारा बताता हूँ, सुबह का भी देखते किस प्रकार का ये लाइटिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो ये सुबह का नज़ारा आप देख सकते हो किस तरीके से, मतलब पुलिस की गाड़ियाँ भी आसपास में घूम रही है, और अभी मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ ये सीन, अभी नीचे भी चलेंगे और नीचे का सीन देखेंगे किस प्रकार से। दोस्तों, अभी तो खैर कोरोना काल चल रहा है, लेकिन जब आम दिन होते हैं यहाँ पे तो उर्स में मतलब ये पूरा जो रास्ता देख रहे हो ना आप, जो रोड है पूरा यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। और कपासन शरीफ दरगाह के अंदर तो आपने पहले भी उर्स के कई वीडियो देखे होंगे, और उर्स में यहाँ पर यह माना जाता है कि अगर आप उर्स में आते हो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो भी मन्नत होती है वो पूरी होती है, और कुछ ऐसे हाजिरी वाले होते हैं तो उन्होंने का चांस काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है कि जल्दी से जल्दी सही होने का। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से अभी भी यहाँ पे उर्स स्टार्ट है दीवान साहब बाबा की दरगाह के बाहर। दोस्तों, कई जने पूछता दीवान साहब बाबा की दरगाह कहाँ है, तो आपको मैं बता दूं कि ये चित्तौड़ में है। जैसे ही आप चित्तौड़ आओगे तो चित्तौड़ के बाहर बस स्टैंड है, वहाँ से आपको कपासन शरीफ के लिए एक बस मिलेगी। चित्तौड़ से करीबन 18 से 20 किलोमीटर दूर है चित्तौड़ रेलवे स्टेशन से, ये राजस्थान में ही है। तो ये नज़ारा आप देख सकते हो। चलिए फ्रेंड, अभी मैं आपको अंदर का नज़ारा बताता हूँ, ये देख सकते हो पहले आप ये बाहर का सीन। अभी हम नीचे की ओर से दिखा रहे हैं, पहले आपको कहीं से दिखा रहे थे ये किस प्रकार से भीड़ है दीवान साहब बाबा की दरगाह। काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का सीन, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आपको दिखेंगे, सभी धर्म के व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, और बाहर से ही अभी ज्यारत हो रही है अधिकतर। तो उर्स स्टार्ट है, उर्स में काफ़ी अहमियत बढ़ जाती है, और आप सभी को मालूम है उर्स में काफ़ी बढ़िया सीन रहता है। तो उर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये नज़ारा उर्स का देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। अभी आपको अंदर भी चलेंगे, अंदर के भी मतलब उर्स तो स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़े थोड़े जैसे वीडियो क्लिप आ रहे हैं
जो भाई हमारे को वीडियो बना करके भेज रहे हैं उसी के ज़रिए मैं आपको यहाँ का माहौल, यहाँ का नज़ारा दिखा पा रहा हूँ किस प्रकार से। कपासन शरीफ दरगाह के बाहर दीवान साहब बाबा की दरगाह। दोस्तों मैंने कई वीडियो भी पहले भी अपलोड कर रखे हैं कपासन शरीफ दरगाह के ऊपर, तो अगर अभी तक आपने देखा नहीं है, पहले मैंने आपको ज़ियारत भी कराई थी जब ऐसे कुछ बीमारी का दौर नहीं था, तो पूरा अंदर का सीन बताया था आपको मैंने किस प्रकार से यहाँ पर सहन अदालत लगती है और अपने आप ही आपकी हाजिरी होती है। जैसे यह हाजिरी होती तो आपको सहन कक्ष जो अदालत होती है वहाँ पे अपने आप खींचे जाते हो, जो भी चीज़ आपके अंदर होती है वह यहाँ से दूर होती है। तो ये नज़ारा देख सकते हो दोस्तों, ये वीडियो के लिए टूर से स्टार्ट हुए हैं जब से मेरे पास लगातार मेरे भाई ने बना करके भेजी है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया सीन है ये बाहर का, देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, और हालांकि आप देख सकते हो पुलिस वाले भी दिख रहे हैं व्यवस्था बनाने के लिए, पुलिस वाले भी हैं काफ़ी, और अंदर अभी एंट्री अलाउड नहीं है। जो यहाँ की रस्में होती है वे यहाँ के खादिम लोग निभा रहे हैं। थोड़ा और दिखा देते हैं आपको दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल भी ना करना, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि आप सभी को मालूम है इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर आते रहते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर आप कहीं और का भी वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। चले फ्रेंड, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते अंदर और अंदर का सीन देखते किस प्रकार का है। ये अभी हम अंदर है और ये अंदर का सीन है किस तरीके से नज़ारा, अभी पूरा मतलब खाली रखा गया है, अधिकतर भीड़ नहीं हो अंदर, इसलिए ये आपको जो डेकोरेशन है उर्स की वह मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर की साइड से। छोटे छोटे वीडियो क्लिप है जिनको जोड़ करके ये वीडियो बनाया गया है, ये बरसात का टाइम भी काफ़ी बढ़िया है सीन देख सकते हो, माहौल काफ़ी बढ़िया है यहाँ का भी, और सही है दोस्तों, ये सब जो अभी हो रहा है हमारी सेफ्टी के लिए हो रहा है। डेकोरेशन का काम मतलब स्टार्ट है यहाँ पे, और बाहर से लाइटिंग बताई थी मैंने आपको कपासन से दर काफ़ी बढ़िया लाइटिंग थी, और ये रात के टाइम अगर अंदर के नज़ारा होता तो काफ़ी और बढ़िया सीन हो सकता था। सैन कक्ष आपको दिखेंगे, ये दीवान साहब बाबा की दरगाह जी याद कर लीजिए दोस्तों, अभी तो आप बाहर से। दोस्तों आप जिन भाई ने मेरे को वीडियो बना करके भेजा उनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वे कपासन सेफ से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। चलिए फ्रेंड, मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।